गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज आदर्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो मैं हूं अभी बैंगलोर के इस्कॉन टेम्पल में। बैंगलोर में दो इस्कॉन टेम्पल है, एक सिटी के मेन में और मैं अभी नागवाड़ा वाले टेम्पल में हूं। सो अंदर में आपको गौशाला भी है, तो चलेंगे अंदर, सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। गेट से अगर आप अंदर आते हैं तो आपको इधर साई टेम्पल मिल जाएगा, और आप इस तरफ आते हैं तो इस तरफ आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। तो आप यहाँ आते हैं तो यहाँ से आप पूजा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये मिल जाएंगी। कैसे अन्ना, क्या होना, पूजा सामान चाहिए और क्या होना आपको? ये फूल, जिसमें फूल आ जाए, नारियल वगैरह, 80 रुपीज़ आपको पड़ जाएगा। यहाँ से आप ले सकते हैं, और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपको फ्लावर सब भी मिल जाएगा भगवान को चढ़ाने के लिए। क्या फेस्टिवल? अच्छा, फेस्टिवल है। हाँ, अभी कुछ मतलब कर्नाटका का कुछ फेस्टिवल चल रहा है। महंगा अभी कर्नाटका में मुझे भी पता है कुछ फेस्टिवल चल रहा है, इसलिए अभी थोड़ा महंगा है। और इस तरफ भी आपको शॉप्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये राम दरबार टेम्पल हुआ, तो चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये राम दरबार टेम्पल है भाई। ये है अंदर का राम दरबार टेम्पल। सो गाइज, अभी हम लोग हैं इस्कॉन कैंपस के अंदर में, और इस्कॉन कैंपस के अंदर में बहुत सारे इंडिविजुअल टेम्पल भी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये साईं बाबा का टेम्पल है, ठीक है। और मेरे इस तरफ है एक राम दरबार है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और इसके पीछे आपको इस्कॉन है, तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तो वीडियो का ऐसे अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने परमिशन लिया है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगा। ये साईं बाबा का टेम्पल है, आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है, दर्शन कर लीजिए यहीं से। कैंपस के अंदर गौशाला है, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तो आप आके यहाँ अंदर आके गौ माता को कुछ खिला सकते हैं और गौ माता का दर्शन कर सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, इसके पीछे भी बहुत सारी गायें रहती है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे आके गौ माता की सेवा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बुक्स वगैरह मिल जाएंगे भगवत गीता से रिलेटेड। इस्कॉन के फाउंडर प्रभुपाद जी का भी आपको बुक्स, अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। कृष्णा बुक मिल जाएगा, सभी लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी में भी मिल जाएगा, कनाडा में मिल जाएगा, और इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा, तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे कैंटीन भी है, तो आप यहाँ पे आके फूड वगैरह ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे केक्स वगैरह, पेस्ट्रीज़ है, आइसक्रीम भी मिल जाएगा यहाँ पे। सो आप समोसे हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा, और केक्स वगैरह यहाँ पे आपको चिप्स भी मिल जाएगा, हैंडमेड बना हुआ है ये चिप्स, मैं परसों ले गया था, काफ़ी अच्छा है, आप स्नैक्स में खा सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सब देख लीजिए। यहाँ का किचन, और ये रहा यहाँ का आपको मेन्यू। आप आके यहाँ पे मसाला डोसा, प्लेन डोसा, आपको पूरी, सब्जी, छोले भटूरे, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हैं, पहुँच करके आप देख लें। और भाई, यहाँ पे आपको हैंडमेड बना हुआ सामान सब आपको मिल सकता है यहाँ पे, फ़ोटो फ्रेम बहुत कुछ मिल जाएंगे आपको, टी शर्ट वगैरह,
पूजा से रिलेटेड भी आपको सारा कुछ मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने प्रसाद ले लिया है, यहाँ से यहाँ पे मिल रहा था प्रसाद, तो हमने प्रसाद ले लिया है। चलिए खाते हैं और बताते हैं कैसा है। ये रोटी मिला है, राइस है, सब्जी है और ये बटर मिल छाछ, काफ़ी सही लग रहा है। खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड, ब्लॉग को यहीं लास्ट करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और हाँ, मैंने आपको मेन टेम्पल श्री राधे कृष्ण का मैं नहीं दिखा पाया विजुअल्स, क्योंकि अलाउ नहीं है, तो क्यों ही दिखाना भाई। और हाँ, अगर आप गीता का क्लास लेने में इंटरेस्टेड है, भगवत गीता का, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में मुझे मैसेज करें, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। चलिए ब्लॉग को यहीं लास्ट करते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।